nothing to the bar! Get the bar! Get the bar! देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस सियासी मूर्छा से गुजर रही है। ऐसे में राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस को एक बूस्टर डोज मिला। कैसे ये कार्रवाई कांग्रेस के लिहाज से सियासी संजीवनी का काम करेगी और कैसे राहुल गांधी एक बार फिर से कांग्रेस के बड़े हीरो बनकर उभरे हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। ईडी की कार्रवाई बनी संजीवनी, हरकत में आई कांग्रेस, फिर हीरो बने राहुल गांधी। ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी, या यूं कह लीजिए कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। राहुल गांधी के समर्थन में दिल्ली पहुंचे कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम, अलग अलग राज्यों से पूर्व सीएम, सांसद, विधायक और कांग्रेस के दिग्गज नेता भी राहुल गांधी के समर्थन में पहुंचे। दिल्ली में कई बड़े नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। यूपी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, लेकिन देश भर के कई राज्यों में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जिससे ऐसा लगा कि कांग्रेस अपने प्रस्तावित कार्यक्रमों का रिहर्सल कर रही हो। कांग्रेस ने हाल ही में राजस्थान में एक चिंतन शिविर किया था, जिसमें कांग्रेस ने कई महत्वपूर्ण संकल्प लिए। उनमें से एक था भारत जोड़ो कार्यक्रम, जिसके लिए कांग्रेस देश भर में पद यात्रा करेगी। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी का समन मिला। हालांकि कोरोना के चलते सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश नहीं हुई, लेकिन राहुल गांधी की पेशी के विरोध में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन देश भर में देखने को मिला। जब राहुल गांधी पहले दिन ईडी के दफ्तर पूछताछ में शामिल होने पहुंचे, तो उनके साथ कई बड़े नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं की फौज थी। और कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उनके नेताओं के खिलाफ एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। आज जो प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ एक तो राहुल गांधी जी और सोनिया जी के ऊपर जो ईडी के छापे डाले या उनको नोटिस दिए, वो बिल्कुल गलत है। कोई तुक नहीं है, कोई आधार नहीं है। दूसरा, जो लोग आए पूरे मुल्क से, वो बताने के लिए आए पूरे मुल्क का मिजाज क्या है, सच्चाई क्या है, लोग क्या समझ रहे हैं ईडी के बारे में, सीबीआई के बारे में, इनकम टैक्स के छापों के बारे में। ईडी जहाँ घुसती है 7 दिन बाद निकलती घरों से, कहते हैं कुछ नहीं मिला हमें मालूम है, परंतु जब तक दिल्ली का आदेश नहीं आएगा हम बाहर नहीं कर सकते। कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन तो हर किसी ने देखा। अब कई सवाल कांग्रेस पर उठ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तो यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के समर्थन में मैदान में उतरी है। देश की राजधानी में भ्रष्टाचार के समर्थन में कांग्रेस पार्टी आज मैदान में उतरी है। जिन्होंने न्योता दिया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, उस परिवार के बारे में आज आपके सम्मुख कुछ प्रश्न रखना चाहती हूं, कुछ बातें रखना चाहती हूं। जो जेल से बेल पर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो, क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। भले ही कांग्रेस इस कार्रवाई को कानून का गलत इस्तेमाल कह रही हो और बीजेपी इस विरोध या शक्ति प्रदर्शन को भ्रष्टाचार के समर्थन में बता रही हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि कांग्रेस इस मामले पर एकजुट नजर आई और एक बार फिर से कांग्रेस में कुछ दमखम नजर आने लगा है। राजनीतिक गलियारों में भी अब चर्चा होने लगी है कि एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस आने वाले दिनों में आक्रामक रुख अख्तियार करती रहेगी, लेकिन अब ये देखना होगा कि ये प्रदर्शन राजनीति रूप में कितने सफल रहेंगे, ये आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। केंद्र की रिपोर्ट, R9 न्यूज़।